हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। तो आज हम इस वाले फोटो को आप लोगों को एडिटिंग करके दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अभी शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं फोटो को ले चलता हूँ स्नैपटॉप पे। तो जब फोटो स्नैपटॉप पे ओपन हो जाए, उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को पहले टूल्स पे क्लिक करना है एंड इसका ट्यून इमेज पे क्लिक करके इसका ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेना है एंड इसका कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है एंड इसका सैचुरेशन को माइनस की तरफ 32 तक लेना है एंड उसके बाद इसका एम्बियंस को थोड़ा सा बढ़ा लेना है एंड इसका हाईलाइट को भी थोड़ा सा बढ़ा के इसका शैडो को भी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद राइट पे क्लिक करके डन कर दीजिए एंड ऊपर में देखिए एक एरो का निशान है, इसको बोलते हैं एडिट स्किप। इस पर क्लिक करके आप लोगों को व्यू डिटेल्स पे जाना है एंड ट्यून इमेज पे क्लिक करके पेंसिल को लेना है एंड फोटो को जूम करके ना फेस के ऊपर से इसको ऐसे करके गोरा करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा फटाफट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हो जाने के बाद आप लोगों को राइट पे क्लिक करके डन कर देना है एंड इधर से बैक आ जाना है। तो फ्रेंड्स, ये करने के बाद आप लोगों को फिर से टूल्स पे क्लिक करना है एंड नीचे की तरफ आके आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगी बिटनेट वाली एक ऑप्शन, तो उधर क्लिक करना है एंड इधर आने के बाद फ्रेंड्स बहुत सारे ऑप्शन है। तो आप लोगों को ना इधर से 12 नंबर को लेना है एंड इसका सैचुरेशन को पूरा -100 कर देना है एंड उसके बाद इसका स्टाइल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बढ़ा देना है। उसके बाद फ्रेंड्स इसका विग्नेट स्ट्रक्चर को थोड़ा सा कमा के 10 तक लाना है। उसके बाद इसका स्टाइल स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा कम करना है एंड फ्रेंड आप लोगों को राइट पे क्लिक करके डन कर देना है एंड ऊपर में फिर से एरो पे क्लिक करके व्यू एडिट पे जाना है एंड इसका विग्नेट पे क्लिक करके इसका पेंसिल को लेना है एंड फोटो को जूम करके इधर इनपुट करके फोटो को जूम करके फेस के ऊपर से इसको रिमूव करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा फटाफट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जाने के बाद आप लोगों को इधर राइट पे क्लिक करके डन कर देना है एंड इधर से बैक आ जाना है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आप लोगों को फिर से टूल्स पे क्लिक करना है एंड ऊपर में आके आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगी कर्व्स, तो कर्व्स पे क्लिक कर देना है एंड कर्व्स पे क्लिक करके इधर 3 ऑप्शन मिल जाएगी आप लोगों को। तो पहले वाला जो है चैनल पे क्लिक करके इसका रेड कलर को लीजिए एंड इसको ऊपर से लेकर नीचे की तरफ ले आइए। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को फिर से इधर क्लिक करना है एंड ब्लू कलर को लेना है और इस तार को लेके थोड़ा सा ऊपर में इस तरह से ले आइए एंड राइट पे क्लिक करके डन कर दीजिए। फिर से फ्रेंड्स ऊपर एरो पे क्लिक करके आप लोगों को व्यू एडिट पे जाना है एंड व्यू एडिट पे जाने के बाद कार्स को लेना है एंड पेंसिल को लेके इसको फ्रेंड इन्वर्ट कर लीजिए एंड फेस को फोटो को जूम करके फेस के ऊपर से इसको रिमूव करना है ऐसे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा फटाफट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जाने के बाद आप लोगों को राइट पे क्लिक करके डन कर देना है एंड इधर से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फ्रेंड्स फिर से आप लोगों को इधर टूल्स पे क्लिक करना है, नीचे की तरफ आकर आप लोगों को डबल एक्सप्रेस का एक ऑप्शन मिलेगा, उधर क्लिक करना है एंड इस पे आने के बाद आप लोगों को ऐड फोटो पे क्लिक करके आप लोगों को एक बैकग्राउंड को मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स को लिंक दे दूँगा, तो उसको आप डाउनलोड कर लेना। तो चलिए अभी हम उसको ऐड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम उसको ऐड करने के बाद आप लोगों को इधर 3 ऑप्शन में, तो बीच वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप लोगों को इधर ऐड कर देना है एंड ऐड करने के बाद फोटो फ्रेंड आपका हो गया है तैयार। तो राइट पे क्लिक करके डन कर देंगे एंड फोटो आप देख सकते हो कि कितना अमेजिंग सा हो चुका है। तो अभी फ़ोटो को सेव करने के लिए शेयर पे क्लिक करना है एंड सिलेक्ट करके फ़ोटो कर लीजिए।